तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खेल रहे हैं स्काई ब्लॉक। एंड भाई आज हम स्काई ब्लॉक खेल रहे हैं, वो भी शेडर्स के साथ। मतलब कितना प्यारा लग रहा है ये वाले। एंड स्काई ब्लॉक मैंने आज तक खेला नहीं है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। एंड भाई यहाँ पे हमारे बहुत सारे बायोम्स है। अब हमको यहाँ पे नॉर्मली करना क्या है, हमको ये बायोम वगैरह एक्सप्लोर करनी है। एंड हमको यहाँ पे मतलब सिंपली पूरा सर्वाइव करना है। तो यार यहाँ पे है हमारे कॉबल स्टोन जनरेटर बनाने का सामान, एक लावा और एक आइस। आइस को हम जैसे ही तोड़ेंगे तो हमारे को पानी मिल जाएगा। एंड मेरी एडवांसमेंट हो चुकी है हॉट स्टफ वाली। एंड तो सबसे पहला काम होता है हमारा वुड कलेक्ट करना, नॉर्मल वर्ल्ड में भी और स्काई ब्लॉक में भी। तो हम वुड कलेक्ट करते हैं फटाफट से। अभी हमारा कॉबल स्टोन जनरेटर पूरी तरीके से बन चुका है। हम क्या करते हैं, एक बार ओक प्लैंक्स बना लेते हैं, और ओक प्लैंक्स से हम एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। एंड थोड़ा स्टिक्स, हमारी स्टिक्स बन चुकी है। एंड इनमें से जो सैपलिंग गिरेगी मेरे को उनका भी ध्यान रखना है। तो खैर अभी हम क्राफ्टिंग टेबल हमारे चेस्ट के साइड में रख देता हूँ। एंड फटाफट से बना लेता हूँ एक पिकैक्स, जिससे मैं कॉपर स्टोन को माइन कर सकूँ। तो हमारी फर्स्ट पिकैक्स बन चुकी है। एंड मेरे को एक ओक सैपलिंग भी मिल चुकी है। ये मैंने यहाँ पे नहीं, मेरे को यहाँ पे नहीं लगानी है, मैं इसको अभी चेस्ट में डालूंगा, मैं इसको बाद में उगाऊंगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं होल कर देता हूँ खोदने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे है ना कॉबल स्टोन ढेर सारा माइन करेंगे। एंड यहाँ पे मतलब डायमंड हमको मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये आप सामने की तरफ एक देख पा रहे हो, एक आइलैंड है, यहाँ पे आपको डायमंड गोल्ड वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो अभी हम सबसे फर्स्ट आज मैं उसी आइलैंड में जाऊँगा। यहाँ से मैं ढेर सारा कॉबल स्टोन एक बार इकट्ठा कर लेता हूँ फटाफट से। एंड हम हमारा थोड़ा आइलैंड भी कर देंगे एक्सपेंड। तो यार अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको है ना मीन्स कॉबल स्टोन ज़्यादा वेस्ट नहीं करने, तो आप इनकी स्लैब बना दो, ताकि मतलब ये आपका कवर, आपके कवर भी ज़्यादा करें एंड ये यूज़ भी कम होंगे। तो गाइस ये लावा को मैंने ढक दिया है ताकि मैं इसके अंदर गलती से नहीं गिरूं। एंड यहाँ पे अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा कॉबलस्टोन माइनिंग। एंड अभी मैं मेरे टूल्स भी अपग्रेड करूँगा। एंड रात भी हो रही है, मतलब होने वाली है, तो अभी मेरे को रात में सोने का भी जुगाड़ करना होगा। ऐसे यहाँ पे शीप वगैरह तो है नहीं, तो मैं बेड तो स्ट्रिंग से बनानी पड़ेगी मेरे को वुल्स, और उसके लिए हमको चाहिए होगी स्पाइडर्स। तो अभी हम स्पाइडर्स को ढूंढेंगे। एंड यहाँ पे विलेजर्स भी नहीं होते, यहाँ पर हमको जॉम्बी विलेजर को क्योर करके नॉर्मल विलेजर में बनाना होगा मतलब। तो यार अभी मेरे पास 10 कॉबल स्टोन आ चुके हैं, एटलीस्ट 11 हो चुके हैं हमारे। एंड अब हम क्या कर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हमारे टूल्स थोड़े बहुत अपग्रेड कर देता हूँ। ये हमारी स्टोन पिकेक्स बन चुकी है गाइस। एंड यहाँ पे हमको एक एडवांसमेंट भी मिल चुकी है, गेटिंग एन अपग्रेड।
ढेर सारे कॉपर स्टोन एंड उनको कन्वर्ट कर दिया है मैंने स्लैब्स में, ताकि हमारा कम कॉबल स्टोन में ही ज्यादा काम हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम आगे चलते हैं हमारे आइलैंड पे। तो हम अभी चलते हैं। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, मैं क्या करता हूँ। हमको जाना है सब यहाँ पे। स्निक को हम टुगल कर देते हैं ताकि मैं एक बार स्निक दबाऊँ, मतलब शिफ्ट दबाऊँ, तो भाई अपने आप ही स्नीक होके रखे, तो ये मेरे काफी फायदा होगा। एंड अब हम थोड़ी बहुत ब्रेड फोर्स की टैक्टिक्स लगाएंगे एंड फास्ट फास्ट रिजिंग करेंगे। ओके गाइस, अभी हम आइलैंड पे आ चुके हैं। अभी मेरे को सबसे फर्स्ट यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे डायमंड्स हैं, पर सबसे फर्स्ट हमको डायमंड माइन करने के लिए चाहिए होगा आयरन की पिकैक्स। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आयरन ओर को माइन कर लेता हूँ एंड फटाफट से मैं अपनी FOV थोड़ी कम कर लेता हूँ। भाई मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। तो यार अभी मैं सेट करता हूँ इसको। ओके गाइस, तो अभी मैंने FOV सेट कर ली है एंड यहाँ पे हम स्नीक को पहले बंद करते हैं। भाई बहुत प्रॉब्लम दे रही है। तो अभी हम हमारा फर्स्ट आयरन माइन कर लिया है हमने एंड अभी मैं मतलब एकदम सावधानी से अभी ये पूरा खोदने वाला हूँ। अभी हमारा ये सेकेंड आयरन और हम माइन कर रहे हैं एंड ये हमारा सेकेंड भी हो चुका है माइन। अब हम हमारा थर्ड आयरन ओर हमको पिकेक्स के लिए चाहिए एंड भाई ये रहा हमारा थर्ड आयरन ओर। तो हमारी एक पिकेक्स तो बन गई। अभी मैं चलता हूँ अपने आइलैंड की तरफ एंड एक सेकेंड, मेरे को स्मेल्ट करने के लिए कोल भी चाहिए होगा। एंड भाई कोल तो अगर मैं हटाऊंगा तो लावा उसकी वजह से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके यहाँ पे भी है ना, इसको तोड़ लेते हैं फटाफट से। एंड भाई यहाँ पे कितना सारा डायमंड है, मतलब मैं एक डायमंड की पिकेक्स और एक आर्मर तो आराम से बना ही सकता हूँ इतने सारा। तो यार आज की हमने इस वीडियो में हमने बना ली डायमंड की पिकेक्स एंड हमने फर्स्ट डे खोद ली डायमंड। एंड यहाँ पे हमारे पर पीछे मैंने एक चीज नोटिस की, जो हमारे पीछे कहाँ पे ये वाला आइलैंड है, यहाँ पे पम्पकिन है। ओके मैं समझा एक चेस्ट है। तो यार एनीवेज, तो मैं अगली वीडियो में बहुत सारे काम करके रखूँगा ऑफलाइन ही। तो यार वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि मेरी न्यू SMP की ट्यूर वगैरह मैं अभी करने वाला हूँ।